हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अनंतनाग में शहीदों का बदला चाहते हैं लोग। बिल्कुल, सिर्फ अनंतनाग में नहीं, पूरे इंडिया में। और हर इंडियन चाहता है, चाहे वो इंडिया में रह रहा हो या इंडिया के बाहर रह रहा हो, हर को है कि इसका बदला लो, ऐसा बदला लो कि थर थर कामे पाकिस्तान, जड़े उखाड़ दो पाकिस्तान का, ऐसा दोबारा कभी ना हो, पाकिस्तान ही नहीं खड़ा हो पाए। तो पाकिस्तान को क्या कहा इन्होंने? कहने को तो बहुत कुछ है, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कितना कुछ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो पाकिस्तानी आतंकवादियों को और पाकिस्तान को पाई पाई का हिसाब चुकाना पड़ेगा। मोदी जी पर 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद है। पाकिस्तान, तेरा अंत समय आ गया है। मोदी जी से निवेदन करना चाहेंगे, जो पीएचओ के में आतंकवाद के ठिकाने, उनको नेस्तनाबूद किया जाए। जो ये पाकिस्तान है, जो आतंकवादियों का सरगना है, जो आतंकवादियों को पालता है, उसे देखा नहीं जा रहा है कि G20 में किस तरीके से इंडिया ने G20 को होल्ड किया और इतना बड़ा सक्सेस हासिल किया G20 को, वो पागल हो चुका है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए, शायद ही देश का कोई ऐसा कोना होगा जहाँ पे आज गुस्सा नहीं होगा। आंखें नम है लेकिन दिल गमगीन है, क्योंकि उन तीन बहादुर जवानों की शहादत को लेकर देख सकते हैं कि आज लोग सड़कों पर उतर आए, चाहे जम्मू से, जयपुर, कश्मीर से, कन्याकुमारी, हर जगह पे आपको ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा। हर कोई गुस्से में है, कहता कि वक्त आ गया कि पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा, पाई पाई का हिसाब पाकिस्तान को देना होगा, वक्त आ गया। मैं कितना गुस्सा, क्या कहना चाहता हूँ। वहीं पर एक तरफ दिल गमगीन है, परंतु पाकिस्तानी आतंकवादियों को और पाकिस्तान को पाई पाई का हिसाब चुकाना पड़ेगा। भारत की बढ़ती लोकप्रियता, जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बहाली, पाकिस्तान को रास नहीं आ रही, पाकिस्तान को पाई पाई का हिसाब देना। क्या इन हरकतों से हमारे जज्बे जुनून को कम कर पाएंगे? जिस तरीके से जुनून भारत का बरकरार है और भारत का प्रत्येक नौजवान चाहता है कि एक एक आतंकवादी का सर्वनाश होना चाहिए, और हमें विश्वास है देश के सशक्त नेतृत्व पर और अपने वीर जवानों पर, जम्मू कश्मीर पुलिस पर, कि एक एक आतंकवादियों को बिल से निकाल दो। इनकी शहादत है, इसे भूला नहीं जाएगा। जो भी आतंकवादी इनकी शहादत के पीछे है, उनको बिल से निकाल के मारा जाएगा। यहाँ देखिए, और भी लोग काफी नाराज है, काफी गुस्से में, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। आज हम, हमारे जो शहीद जवान हैं, उनके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं पाकिस्तान को ये बात बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी पर 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद है। पाकिस्तान कोई कर सकता है, वही कर सकते हैं। तू ज्यादा दिन, मैं तो कह रही हूँ, बहुत खुश नसीब है मोदी जी हमारे पास। अभी तुझे ऐसा दंड दिया जाएगा, तेरी सात पुश्ते याद रखेगी। वेरी गुड, ऐसा दंड दिया जाएगा कि सात पुश्ते याद रखेगी। आप देख सकते हैं कितना आक्रोश, कितना गुस्सा है। जिस तरीके से हमने देखा था कि उड़ी के बाद 2016 सितंबर में सर्जिकल स्ट्राइक की गई, क्या लगता है कि अब पाकिस्तान को लगता है सबक सिखाने का वक्त आ गया? पाकिस्तान को यही समय है, सही समय है। पाकिस्तान को इस समय POJK के अंदर जितने आतंकी ठिकाने हैं, आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ करके मारना चाहिए। और मुझे विश्वास है हमारे सैनिकों के अदम्य साहस पराक्रम पर कि एक भी आतंकी बचा नहीं। इनका कहना है कि हम इस कुर्बानी को नहीं भूलेंगे, जो शहादत हमारे तीन बहादुर ऑफिसर से दी है, चाहे मनप्रीत हो, आशीष हो या हिमायू भट्ट हो, इनकी शहादत को भूला नहीं जाएगा। और ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च कर दी चाहिए। आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है, कितनी नाराजगी है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान भारत के विरुद्ध मंसूबे बनाता है, पिछले तीन दशक से लगातार कश्मीर को दहशत की आग में जलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे FEC चलाए, पाकिस्तान के झंडे चलाए, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, मोदी जी से निवेदन करना चाहेंगे, जो POJK में आतंकवाद के ठिकाने, उनको नेस्तनाबूद किया जाए। खत्म कर दो, और यही सिस्टम खत्म कर दो। आज पाकिस्तान अलग थलग हुआ है, उसको खत्म कर दिया। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, और भी कुछ BJP के लोग यहाँ पे है, क्या कहना चाहते हैं?
आपको आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों के अंदर कितना आक्रोश है। जो ये पाकिस्तान है, जो आतंकवादियों का सरगना है, जो आतंकवादियों को पालता है, उसे देखा नहीं जा रहा है कि G20 में किस तरीके से इंडिया ने G20 को होल्ड किया और इतना बड़ा सक्सेस हासिल किया G20 को। वो पागल हो चुका है, इस टाइम बौखला हो चुका है, इसलिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान में बौखला हट है, पाकिस्तान भारत की कामयाबी को नहीं देख सकता है। किस तरीके से G20 शब्द हुआ, ये एक वजह की काफी आक्रोश है। कुछ लोकल रेजिडेंट भी उनको ज्वाइन करके वो भी नारेबाजी कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कब तक पाकिस्तान ऐसे ही भारत के जवानों को, हमारे ब्रेवहार्ट्स को अभी पुंज हुआ, अब ये मारता रहेगा। पिछले कई दशकों से किया नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं, वेट कर रहे थे कि अब होगा कुछ। यही एक वजह है कि यहाँ पे काफी गुस्सा है, बहुत जल्दी इमीडिएटली होना चाहिए, पाकिस्तान वेट नहीं करना, समय अब आ गया है। तो याद रख, तूने भारत के साथ पंगा लिया है, भारत जो है प्राचीन देश है और भारत से पंगा लेता है तू। पाकिस्तान, तू ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। भारत से अगर तुम पंगा ले रहे हो, तुम ज्यादा देर तक बच नहीं पाओगे, तो मैं पूरी तरह से तुम्हारे आतंकवादियों को कब्रिस्तान भेज दिया जाएगा। और वो चाहते हैं कि वक्त आ गया है कि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे उड़ी के बाद पहली सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हुई थी और पुलवामा के बाद हमने देखा था किस तरीके से हमारी एयरफोर्स के जो जहाज या फाइटर प्लेन अंदर तक पाकिस्तान में चले गए थे और बालाकोट में जाके उन्होंने वहां पे उड़ा दिया था जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को। एक बार फिर से वक्त आ गया, ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फैसला लेना होगा कि किस तरीके से जो ठिकाने आतंकवादियों के पाकिस्तान ऑक्यूपेड जम्मू कश्मीर में या पाकिस्तान में, उनको नष्ट नाबूद किया जाए। और इसके लिए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन, काफी गुस्सा है, काफी नाराजगी है, काफी आक्रोश है। भाई सबको उम्मीद है मोदी जी से, सभी को। और नहीं, मैं ये सोच रही थी कि पहले जब ये सब होता था तब कोई मतलब उस टाइप से होप ही नहीं होती थी कि कुछ होगा। अब लोग देखो कैसे भाई करो 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 कर रहे हैं, करो जल्दी, अब करो, क्योंकि उनको पता है मोदी जी कर सकते हैं, तो वो बोल रहे हैं करो जबरदस्त रिवेंज लो। जब कह रहे सर्जिकल स्ट्राइक करके वहीं उनके इलाकों पे करो, कि उनको पता लगे कि इन चीजों से कितना लॉस होता है उनको। बिल्कुल, तो मैं तुम्हारे को खत्म कर देंगे हम। ये लॉस सिर्फ जो भी टेररिस्ट है उनका भी नहीं, जो उनको उस कंट्री का होना चाहिए, साफ पता चल रहा है। अभी हमने एक वीडियो की है, आप सारे चैनल्स में देखना, तीनों चैनल्स के अंदर, चैनल्स के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हैं। उसमें से एक वीडियो में साफ बताया उन्होंने कि ये जो आए हैं आतंकी, इनको वेल ट्रेन करके भेजा गया और इसमें ISI का हाथ है। तो किसका हाथ है? पाकिस्तान का हाथ है। इनके पास जो डूबती हुई कंट्री है, जिसके पास पैसे नहीं है, भीख मांगी जा रही है, वो ये सब काम कराने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बताओ कहाँ से आ रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन होना चाहिए, और जो कंट्री उनको रख रही है वो पाकिस्तान है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आना चाहिए बहुत मेजर। और जो भी हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है, जो भी हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है, बहुत पैसा जा रहा है हमारे यहाँ से YouTube के थ्रू और ये क्रिकेट के थ्रू, ये दो मेन सोर्स हैं जिससे पैसा पाकिस्तान को मिल रहा है, और यही पैसा जो है वो हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों को बंद करना है। मैं हर वीडियो में ये बाबा बोल रही हूँ कि आप मोदी जी के जो है ट्विटर में, इंस्टाग्राम, जो भी उनके अकाउंट्स हैं, उनमें जाके उन लिखो कि मोदी जी आप बैन करो ये यूट्यूब पाकिस्तान चैनल को, और बैन करो, हमें क्रिकेट नहीं खेलनी, पाकिस्तान से कोई भी गेम नहीं खेलनी, बंद कर दो क्रिकेट विद पाकिस्तान। आपको, आप ये लिखो उनको, मोदी जी को जाके, ताकि उनको पता चले कि इंडियंस क्या चाहते हैं और प्रॉब्लम क्या है। वही है कि आप सिर्फ जो हैं, जो लोग आतंकवादी हैं उनको सिर्फ न्यूट्रलाइज करते हैं, वो बड़ी बात इनफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। जड़ तक जाना है, जड़ को निकालना है, प्रूफ लेके आना है, पूरे वर्ल्ड को बताना है कि हमने ऐसा किया है और अगली बार ऐसे ही हमारे ऑपरेशन होंगे, और बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस से ज़बरदस्त तरीके से करना है, चाहे वो जितनी रेडी हो नहीं हो, हु केयर्स, होना चाहिए जबरदस्त ऑपरेशन। बिल्कुल नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना इनको। और एज इंडियंस, हर इंडियन का ये है कि पाकिस्तानियों के जो भी चैनल्स, उनको जाके बोलो बंद करो अपने चैनल्स, नहीं देखने जा रहे हम तुम्हारे, हम नहीं देखेंगे। एक इंडियन व्यू नहीं उनको मिलना चाहिए, और एक बंदा नहीं देखना चाहिए कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेट के खेलने वाले। पता नहीं जो लोग जा रहे हैं वो इस लेवल पे हैं कि उनको पता नहीं, समझ आता नहीं, नहीं आता, नहीं आता। हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, और साथ में जो इंडियंस जा रहे हैं पाकिस्तानी चैनलों में जा रहे हैं, उनकी उनके साथ बैठ के बातें करते हैं, उनको भी जाके बोलो, ये मैसेज दो, बंद करो पाकिस्तानियों से बात करना और उनके चैनल में जाने, या उनको अपने चैनलों में बुलाना। बहुत हो गया ये, बहुत बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ये नंबर। तो चलो अभी शेखर ना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।